हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू की लच्छेदार नमकीन, जिसे आप बनाकर महीने भर तक सेव करके रख सकते हैं। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने दो आलू लिया। आलू को मैंने छील के डायरेक्ट पानी में डाल दिया है, जिससे कि काले नहीं हो। तो फिर अब हम इनको सबसे पहले ग्रेट कर लेते हैं। अब हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलू को ग्रेट करने के लिए यहाँ पे मैंने मोटा वाला ग्रेटर यूज़ में लिया है, इसी को हमें यूज़ में लेना है। और आलूओं को ग्रेट करने से पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी भी भर के रख दिया, जिससे कि हम डायरेक्ट आलू को ग्रेट करके इसमें डालेंगे। अब आलू को हम इस तरह से ग्रेट करते जाएंगे और सीधे आलू के जो हमारे लच्छे निकलेंगे उनको हम डायरेक्ट पानी में डालेंगे। हाँ, मैंने सारे आलूओं के अच्छे को तैयार कर लिया। अब इनको हम 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक कि हमारा पानी एकदम साफ़ नहीं हो जाए। पानी हमारा अच्छे से साफ हो गया है, ये देखिए आलू एकदम अच्छे से सफ़ेद दिख रहे हैं। तो अब हम इनको एक कपड़े पे सुखा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक नेपकिन लिया है, उसमें हम आलूओं को इस तरह से निचोड़ के इस पर डाल देंगे, जिससे कि इसका सारा पानी नेपकिन सोख कर ले। ये देखिए, इस तरह से सारे आलूओं के लच्छों को हम फैला देंगे। सारे आलूओं के लच्छों को हमने फैला दिया है। उसके बाद में हम इसको इस तरह से पोंछ लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी पानी नहीं रहे। देखिए, इस तरह से आलू के जो हमने लच्छे तैयार करे थे उनको पोंछ लें। यहाँ पर मैंने सारे आलूओं के लच्छों को पोंछ लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। आप कढ़ाई में ऊपर तक तेल नहीं भरें, क्योंकि जैसे ही हम आलू के लच्छे डालेंगे तेल उफन के ऊपर तक आता है। इसलिए तेल हमारा अच्छे से गर्म है। अब इसे हम मीडियम आंच पर अच्छे से कुरकुरी होने तक फ्राई करेंगे, जब तक इनका कलर ब्राउन कलर का नहीं हो जाए। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लग गया है। आंच हमें मीडियम ही रखनी है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे होगी तो हमारी ये जो लच्छे हैं वो फटाफट जल जाएंगे और एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए हमें इसे मीडियम आँच पर ही फ्राई करना है। ये देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है। बस अब हमें इनको निकाल लेना है एक बाउल में, और सेम प्रोसेस से हमें बाकी के आलू के लच्छों को भी फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे हमारे आलू के लच्छे फ्राई होते जाएंगे, तेल अपनी जो झाग आ रहा है वो अपने आप ही नीचे बैठते जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही आलू के लच्छे एकदम से अच्छे ब्राउन हो जाएंगे, तेल बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। आलू के लच्छे के हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मूँगफलियों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूँगफली ली है, उसको हम तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ें नहीं आ जाती है। ये देखिए, इसको लगातार हमें चलाते रहना है, जिससे कि मूँगफली जले नहीं। इसको लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है। ये देखिए, इसमें से चटकने की आवाज़ें आने लग गई है। तो अब हम मूँगफली को निकाल लेंगे। अब हम गैस को बंद करने के बाद में हम कड़ी पत्तों को इसमें फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड्स के लिए। कड़ी पत्ते को भी हमने फ्राई कर लिया है, तो अब उसको हम नमकीन में मिला देंगे। कड़ी पत्तों को मिलाने के बाद में हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है वर्थ के हिसाब से इसमें सेंधा नमक और 1/2 चम्मच काले मिर्च पाउडर, और इसके बाद में हम इन सबको मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको व्रत में यूज़ में नहीं लेते तो आप इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ में कर सकते हैं। ये हमारी व्रत वाली आलू लच्छा नमकीन बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह की क्रिस्पी नमकीन बनी है, इसमें कितनी सी आवाज़ आ रही है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी आलू लच्छा नमकीन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और कौन कौन सी रेसिपीज़ है जो आप देखना पसंद करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।